আছে আমি দিন ম্যাটার পুরো এই জায়গাটা তুমি কি আছে আচ্ছা এটা কি আছে ওকে আমি বলছি এটা দিয়ে দাও খুলে দাও হ্যাঁ বুঝলে কিছু না আমি পানি দিব তো দেখতে পাবি ওকে দেখিনি তো মানে ঠিক আছে জানি যদি দরকার ঠিক আছে পাকা দাও। हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिएटिव कपल। मैं हूँ सुश्री और आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ सैमसंग का ये फ्रिज जो कि एक रिन्यूड फ्रिज है फ्रॉम अमेजन। जैसे कि आपने देखा होगा अभी वीडियोस में कि हमने ये प्रोडक्ट को कैसे रिसीव किया। हमने ये प्रोडक्ट को ओपन बॉक्स डिलीवरी के थ्रू रिसीव किया जो कि अमेजन का एक फीचर है। जब आप परचेस करते हैं कोई भी बिगर प्रोडक्ट्स जैसे फ्रिज एसी या वॉशिंग मशीन या टीवी तो आजकल ये नया ऑप्शन है कि आप ओपन बॉक्स डिलीवरी ले सकते हैं। तो ओपन बॉक्स डिलीवरी में क्या होता है, जो लोग प्रोडक्ट लेके आते हैं जो डिलीवरी पर्सन वो आपके सामने इस प्रोडक्ट को ओपन करके रख देते हैं और आप एकदम से इसको फिजिकली पूरा चेक कर सकते हैं चारों तरफ से। अगर आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, इस पर कोई डेंट नहीं है, स्क्रैच नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप उनको अपना ओटीपी देके इसको रिसीव कर सकते हैं जो कि आपको अमेजन की तरफ से मिला होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, कुछ डेंट है, कुछ है, तो आप बस उनको ओटीपी मत देना और वो प्रोडक्ट लेके वापस चले जाएंगे। जब तक आप ओटीपी नहीं देते तब तक प्रोडक्ट डिलीवरी मार्क नहीं होता है। तो ये एक नया फीचर है जो कि मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि लगभग लगभग जो भी लार्ज अप्लायंसेस होते हैं और जितना मैंने रिव्यू देखा हुआ है लाइक 2019 का 18 का या जो भी फ्रिज का रिव्यूज है, किसी में डोर में डेंट है, किसी के पीछे डेंट है, किसी के साइड में डेंट है और लोग बहुत परेशान है, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। अभी आते हैं हमारा ओरिजिनल मैटर जो कि रिन्यूड फ्रिज है। ये एक मतलब चीज जो फेनोमेनन है ये मुझे बहुत लाइक 2-3 इयर्स पहले से ही पता था बट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था और कभी डेयर नहीं किया था कि परचेज करूं। मुझे मेरा जो ओल्ड फ्रिज है 200 लीटर का वो ऑलमोस्ट लाइक खराब ही हो गया था, उसका जो आइस चेंबर है वो खराब हो गया था और मुझे बड़ा सा फ्रिज चाहिए था कंपलसरी। नहीं हो पा रहा था, फैमिली बढ़ गया है, सामान रखना है और मैं एक लार्ज फ्रिज ढूंढ रही थी। जो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मुझे सैमसंग का फ्रिज पसंद आया, बहुत सारे स्टोर्स में घूमी, इधर उधर ऑफलाइन सर्च किया, ऑनलाइन सर्च किया, ये मॉडल मुझे पसंद आया और एक 465 लीटर का जो फ्रिज मॉडल है वो मुझे पसंद आया, लेकिन फाइनली मैं इस मॉडल के लिए फिक्स हो गई। तो ऑफलाइन में जो प्राइस है इसका जो MRP है अराउंड 60,000 है, ऑफलाइन में लगभग 50,000 तक मिल रहा है, ऑनलाइन में आई गेस लाइक 45,000 डिस्काउंट के बाद ऐसे आ रहा था और कुछ कुछ एक्सचेंज ऑफर, कुछ बैंक ऑफर्स ये सब था। फिर भी जो है कि मुझे थोड़ा लग रहा था कि बाबरे लाइक इतना पैसा क्यों खर्च करना है, लाइक थोड़ा छोटा ले लेते हैं या फिर देखते हैं कि कुछ और डील मिलेगा। ऐसे देखते देखते मुझे रिन्यूड फ्रिज का सेक्शन दिख गया अमेजन पे, तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं ट्राई करते, लेकिन हमारा तो वो स्केप्टिकल होता है तो यूट्यूब में देखना रहेगा। और यूट्यूब में मैं देखते गए एक भी वीडियो नहीं है रिन्यूड फ्रिज के ऊपर, ना कि कोई रिन्यूड आइटम के ऊपर। हाँ थोड़ा बहुत है कुछ हेडफोन्स के ऊपर, कुछ मोबाइल के ऊपर, दैट्स इट, होम मेकिंग आइटम के ऊपर कुछ एक वीडियो नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि ये फ्रिज हम लोग ट्राई करेंगे, रिस्क लेंगे और आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो फाइनली हम लोग आपके सामने हैं। और रिन्यूड का क्या सीन है कि जब भी कोई प्रोडक्ट हम लोग परचेस करते हैं ऑनलाइन से, अगर हमें वो पसंद नहीं आया या फिर हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया या रिटर्न भेज दिया अमेजन के पास, अगर वो बॉक्स ओपन हो गया है तो वो फिर प्रोडक्ट ऐसे आप अमेजन सेकेंड हैंड नहीं बेच सकता कैसे भी, या फिर न्यू है करके नहीं बेच सकता, तो वो अपने यहाँ लेके जाएगा। अगर किसी पर्सन ने रिटर्न कर दिया किसी कारणवश तो अमेजन क्या करेगा, अपने जो प्रोफेशनल्स हैं उनके थ्रू ये चेक करवाएगा फ्रिज को कि यहाँ इन्होंने बोला था कि डेंट है या कुछ है। अगर डेंट है सही में, सपोज यहाँ पे डेंट है या यहाँ पे डेंट है, तो वो जगह ठीक करेंगे या फिर उसको एक्सचेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, जो भी है उसको चेंज करेंगे और उसको फिर अपने पास नहीं रखना है, उनको फिर बेच देना है, तो उसका प्राइस लगभग हाफ करके या कुछ रिड्यूस करके वो बेच देते हैं। तो रिन्यूड जो प्रोडक्ट्स रहता है उसके ऊपर 6 मंथ की वारंटी सेलर की तरफ से रहता है। तो यहाँ पे हमारा सेलर है क्लाउडटेल जो कि अमेजन की तरफ से है, तो सेलर की तरफ से हमको इसके ऊपर गारंटी वारंटी जो भी है वो मिलेगा। तो हम लोगों को ये है कि 10 डेज इसको यूज करना है और उसमें अगर कुछ कंप्लेन है तो हम लोग अमेजन को बोल सकते हैं रिप्लेस के लिए या रिफंड के लिए, या हम लोग इसको वापस भी भेज सकते हैं, लाइक रिफंड भी आ जाएगा अगर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये सिर्फ अवेलेबल है रिन्यूड प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेते हैं और उसको आप वापस भेजने के लिए ट्राई करेंगे 10 डेज तो ये नॉट पॉसिबल है। तो रिन्यूड जो प्रोडक्ट रहता है उसका ये खासियत रहता है, बिल्कुल वीडियोस नहीं था तो हमने सोचा कि क्यों ना चलो वीडियोस ही बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। ये फ्रिज एक्चुअली है 415 लीटर का, इसमें ग्रॉस आ जाता है 384 लीटर का, 3 स्टार का फ्रिज है, 224 आपका यूनिट्स कंज्यूम करता है पर ईयर,
जो कि बहुत सही है. और आजकल यूनिट्स का कुछ मायने नहीं रह गया है क्योंकि लगभग 2-star 3-star ये सब ऑलमोस्ट लाइक सेम यूनिट्स कंज्यूम करते हैं. मेरा जो 200 लीटर का जो फ्रिज था वो मेरा 236 या 246 कुछ यूनिट कंज्यूम करता था. तो बेसिकली इट्स गुड ओनली लाइक यूनिट के हिसाब से आप 2-star भी ले सकते हैं. फ्रिज जो है, बाकी जो आया रिन्यूड फ्रिज के बारे में, ये जब रिसीव हुआ तो मैं एकदम, मतलब उससे पहले जब परचेज की तो मैं डर के मारे थी कि भाई कैसा आएगा, किसी ने यूज करके भेजा होगा या अमेजन ने कैसा भेजा होगा, क्योंकि है नहीं उतना रिव्यू और यूट्यूब पे भी नहीं है. बट जब रिसीव हुआ, बिलीव मी, एक स्क्रैच नहीं, एक खरोच नहीं, कुछ नहीं. यहाँ पे कुछ लगा हुआ था, ऊपर डस्ट था, डस्ट, दैट्स इट. और जैसे आप देख सकते हैं एकदम न्यू, लाइक यहाँ पे कवर चढ़ा हुआ है, यहाँ पे कवर चढ़ा हुआ है, ये भी कवर्ड है और ये कूल पैक के साथ आता है. बहुत ही स्पेसियस फ्रिज है, बहुत ही स्पेसियस. और लेडीज को क्या चाहिए किचन में, क्या चाहिए, एक अच्छा सा फ्रिज चाहिए, है ना. इसमें क्या दिया हुआ है देखो, ये वारंटी कार्ड है, कुछ भी अगर गड़बड़ होता है तो इनको इस पे कॉन्टेक्ट करना रहता है. हाँ, रिन्यूड प्रोडक्ट कभी कभी अपने बॉक्स में आते हैं, कभी कभी दूसरे बॉक्स में भी आ जाते हैं. ये देखो यहाँ पे भी कवर चढ़ा हुआ है, ये लाइक 1, 2, 3, 4, 5 स्पेसेस जगह है. यहाँ पे भी कवर चढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी कवर है. लाइक मैं ढूंढते रह गई एक स्क्रैच तक को, कहीं भी स्क्रैच नहीं, कुछ नहीं अभी तक. तो मेरा बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है. चलो इसको ओपन करते हैं. ये भी देखना आप कितना स्पेसियस का फ्रिज है ना. इसमें थोड़ा सा कुछ पैम्पलेट बुक वगैरह है और मैं बस आपके सामने अभी ओपन कर रही हूँ ये वाला. ये सब मतलब एकदम ब्रांड न्यू. और सोचो डील मुझे कितने में मिला, 27,700. लाइक 27,000, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, लाइक लगभग 50% में. मतलब आई एम सो अमेज्ड. और मेरा फिलहाल तक का एक्सपीरियंस रिन्यूड फ्रिज के साथ बहुत सही है. अभी मैं इसको यूज़ करूँगी, 2-3 months में मैं और एक वीडियो अपलोड करूँगी इसका एक्सपीरियंस, अगर कुछ सर्विस प्रॉब्लम आया, क्या हुआ क्या नहीं, उसको भी मैं अपलोड करूँगी. और वन एंड ओनली वन वीडियो, ट्रस्ट मी, एक वीडियो है ये अभी रिन्यूड का, इससे पहले एक भी वीडियो नहीं है. आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए. और कमेंट में आप बताइए कि आप क्या रिन्यूड फ्रिज का वीडियो ढूंढ रहे थे जैसे मैं ढूंढ रही थी. और हाँ, अपडेट देखने के लिए सब्सक्राइब करके बने रहिए, मैं पक्का इसका अपडेट लेके आऊंगी कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा. चलिए, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.